अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ैबरौफ एंड वाचिंग फ्रीलांसिंग विद ज़ैब। तो आज का जो हमारा सेशन है जिसमें आप लोगों ने एंट्री ली है, जो आज आप लोग फॉर्म फिल करके और इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए हो, तो ये हमारा सेशन है ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इस सेशन में हम लोगों ने बात करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, और ये काम किस तरह से करती है, इसमें अर्निंग कितनी होती है, इसका प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, और आप लोग इसमें काम कर कैसे सकते हो, आप लोगों को कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी और आप लोगों को कितनी अर्निंग होगी, कितनी जल्दी आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, सही है, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो, कौन सा ऐसा बेस्ट वे है, कौन सा ऐसा बेस्ट सोर्स है जिसके थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग की फील्ड हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, पर हम लोग बात करेंगे उन टॉप फील्ड्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील्ड्स हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ज्यादा यूजेबल है। लाइक जैसे हमारा ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, इसमें हमारा पास हमारा जो इस टाइम भी सेशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये सेशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अभी हम लोग SEO की बात नहीं कर रहे हैं ना वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसके थ्रू किस तरह से एक अच्छी 6-figure इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखो तो हमारे पास जो मार्केटिंग का इस टाइम पे सेशन है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे फेसबुक मार्केटिंग को लेके, टोटली ऑल अबाउट फेसबुक, जस्ट फेसबुक मार्केटिंग को। फेसबुक मार्केटिंग के अलावा अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, स्नैपचैट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ऐप मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक, कोरा मार्केटिंग, ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप भी मार्केटिंग कर सकते हो, चाहे आप अपने ब्रांड के लिए करो, ठीक है, अपने ब्रांड को प्रमोट करो, या फिर आप फ्रीलांसर काम से ज्यादा फ्रीलांसर काम करके आप दूसरों के ब्रांड को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो। मेन हमारा जो पर्पज है वो अर्निंग करना है, बट इट्स बेटर कि आपका कोई अपना ब्रांड हो, आप उसके लिए अपने लिए मार्केटिंग कर रहे हो, अपने ROI को जनरेट कर रहे हो, अपने इनकम को बढ़ा रहे हो, या आप पे डिपेंड करते हैं अगर आपका कोई अपना फिजिकल बिजनेस है या ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल है, आप अपनी स्किल को एनहेंस करके मार्केटिंग करके अपनी थोड़ी सी, तो आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई शॉप है, कोई आपका कोई ऑफिस है, किसी भी चीज का आपको कोई बिजनेस है, आप उसको मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करके अपनी जो इनकम है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मार्केटिंग में आती हैं। आज का हमारा सेशन है जस्ट एक दिन का अभी, ठीक है, जो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे टोटली। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को फेसबुक मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, देन हम लोग इसकी अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे इसके कौन कौन ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में, जो हमारे नेक्स्ट सेशन हुआ करेंगे, ये सेशन तुम्हारा आज फर्स्ट सेशन है, इसके अलावा हमारे सेशन अब से लाइव हर एक या दो दिन के बाद सेशन हुआ करेगा, जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक को लेकर हुआ करेगा, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। पर अगर आप लोग कंप्लीट एक ही सेशन को लेके, यानी कि एक ही फील्ड का कोर्स करना चाहते हो, जैसे SMMM है, इसका आप कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, जिसके बारे में हम एट द एंड बात करेंगे, पर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फेसबुक मार्केटिंग को लेके। ठीक है जी, फेसबुक मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग तो मार्केटिंग ही होती है ना, मार्केटिंग करना है आपने, यानी कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में कर क्या रहे हो आप, आपने जस्ट अपने ब्रांड को प्रमोट कर, आपने क्या करना है, कोई ग्राफिक बना लेना है, कोई इमेज वगैरह बना लेनी है, या कोई आपने अच्छी कोई वीडियो बना ली, प्रमोशनल वीडियो अपने ब्रांड के लिए। ठीक है, एंड देन आपने उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया, फेसबुक पे भी आप इस तरह से करोगे, यूट्यूब पे भी इस तरह से करोगे, जहां पे भी आप कर रहे हो आपने जस्ट एक कैंपेन रन करनी है वहां पे। पर फेसबुक को ही क्यों चुना गया है, सबसे ज्यादा पावरफुल फेसबुक ही क्यों है? बिकॉज फेसबुक का ROI 90 times ज्यादा मिलता है हमें, फेसबुक का ROI हमें बहुत अच्छा मिलता है। फेसबुक ने बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स लॉन्च किए हैं जिनकी वजह से बिजनेस जो है इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और कम पैसे खर्च के ज्यादा इनकम अपनी जो है ना उसको बढ़ा रहे हैं। आप थोड़े से पैसे लगा के आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो फेसबुक मार्केटिंग में, तो अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग अच्छे से आती है तो ठीक है। अब अगर आप खुद के लिए मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कहीं पे भी सैलरी वगैरह देखने की जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो इट्स अपॉन यू। पर अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट में देखूं और मार्केट के हिसाब से चलूं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है फेसबुक मार्केटिंग का और कितनी सैलरी मिल रही है, फ्रीलांसर्स को कितना काम मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा भी है कि नहीं मिल रहा, लोग फारिग तो नहीं बैठे, तो इस चीज को हम देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइबर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे फाइबर को, अर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो फाइबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम फाइबर पे आ गए। अभी फाइबर पे आप देखो तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, लेट मी जस्ट कम हियर,
हमने यहाँ पे फाइबर ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने सर्च कर लिया फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग हम सर्च कर लेते हैं सबसे पहले फाइबर के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखो तो 3200 सर्चेज हैं, जो कि अभी इतनी ज्यादा सर्चेज नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर, पर अगर आप काम चेक करो तो इसमें आप लोग अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। क्यों? आप मार्केटिंग करके, अगर आप यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग लिखो तो यहाँ पे आप सर्चेज देखो 3200 सर्चेज हैं टोटल। अभी मैं आपको फर्दर भी बताता हूँ, पर अगर आप यहाँ पे लिखो SMM मेन सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन आप यहाँ पे सर्चेज देखो 152 सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर मैं पहले ही सर्विस को ओपन कर लूँ, सेकंड को ओपन कर लूँ, थर्ड को ओपन कर लूँ, फोर्थ को ओपन कर लूँ, फिफ्थ को ओपन कर लूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि इस बंदे को जो बेसिक पैकेज है इसका वो 3400 का है, ठीक है। और इसको इस टाइम पे 3 ऑर्डर इसके पड़े हुए हैं कहाँ पे क्यू के अंदर, क्योंकि इसको अभी 3 ऑर्डर मिले हुए हैं। नेक्स्ट इस पे आप जाओ, नेक्स्ट वाली सर्विस पे, इस पे इसको इसने 7 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसने भी 11 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए और एक ऑर्डर इसका अभी भी क्यू में है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो इसने 4 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत काम है, और अगर आप एक पर्टिकुलर नीच को चूज कर लेते हो, जैसे हमने फेसबुक मार्केटिंग की बात की है या फेसबुक एड्स की बात कर लो, एक ही चीज है, तो इसमें आप देखो कि फेसबुक एड्स में 9000 सर्विसेज है। और अगर हम इसमें ओपन कर लें किसी भी 3 सर्विस को, तो यहाँ पे आप चेक करो तो फेसबुक एड्स देखो इसके 6 ऑर्डर्स की में है, और इसका जो स्टार्टेड पैकेज है 5000 से फेसबुक एड्स को लेकर सिर्फ। नेक्स्ट पे आप चेक करो तो यहाँ पे इसके 2 ऑर्डर्स क्यू में हैं, और उसके बाद यहाँ पे 60 ऑर्डर इस बंदे के अभी तक क्यू में हैं जो इसने कंप्लीट करने हैं, शॉपिफाई फेसबुक के एड्स बनाने हैं इसने, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि मार्केट में फेसबुक का काम है अगर आप करते हो तो, ठीक है ना। अगर आप मार्केट में फेसबुक का फाइबर के ऊपर काम करते हो तो काम बहुत है, आप लोग इजिली कर सकते हो और अच्छे से ब्रांड भी कर सकते हो और आप अर्निंग भी अच्छी कर सकते हो। अब अगर हम इसकी फिजिकल जॉब देखें, फिजिकल जॉब यानी कि अगर आप किसी ऑफिस में जाके आपका माइंड है कि जॉब करने का इंटर्नशिप पे या किसी भी तरीके से, तो आप यहाँ पे अगर सर्च करो, हमने ओपन कर लिया इंडीड। इंडीड में हम चेक करते हैं पाकिस्तान में इसकी जॉब का क्या रेट है इस टाइम पे, अगर हमें पाकिस्तान में कोई जॉब मिल भी रही है फेसबुक मार्केटिंग की कि नहीं मिल रही। यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग सिटी प्रोविंस हम लोग नहीं चूज करते, एनीवेयर कहीं भी हमें पता लग जाए। तो यहाँ पे आप देखो फेसबुक एड्स मैनेजर कराची में इसकी जॉब है 40,000 to 50,000 पर मंथ की सैलरी पे मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो सेकंड नंबर पे है फेसबुक की फर्स्ट जॉब ये है, सेकंड पे ये 15,000 to 25,000 की सैलरी पर बेस पे हमें मिल रही है। देन अभी यहाँ पे देखो 33,000 to 45,000 की सैलरी पे हमें मिल रही है। पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, देखो 50,000 को तो टच कर ही रहा है ऑलमोस्ट हर पैकेज, ये भी 30 to 50, फेसबुक एड्स जो मार्केटिंग मैनेजर 40 to 50, ये भी 30 to 50। मोस्ट ऑफ द केसेस हर पैकेज है फिजिकल जॉब का फेसबुक मार्केटिंग को लेके, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर 50,000 को टच कर रहे हैं, और स्टार्टिंग सैलरी भी उनकी 30, 40, 30, 40, 25 से अबव ही है। ये कंटेंट क्रिएटिव राइटर ये हमारी फील्ड नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 50 to 1 lakh भी है। तो इट मीन्स के इंटरनेट पे भी काम पड़ा हुआ है अगर आप करते हो तो, और अगर आप करना चाहते हो फिजिकली कहीं जॉब करके, वहां पे भी बहुत जॉब पड़ी हुई है, बहुत काम पड़ा हुआ है। अगर आपको अच्छे से मार्केटिंग करनी आती है, ठीक है, आप अच्छे से सीख लेते हो मार्केटिंग, देन आप एक अच्छा इंटरव्यू तैयार करके आप दे देते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, तो एक अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। क्यों? आपने जिस वहाँ पे एड्स लगाने हैं, फेसबुक की मार्केटिंग करनी है, अगर आपने टाइम स्पेंड करके अच्छे से सीखी होगी, देन आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप फिजिकली जॉब भी करो, साथ में आप ऑनलाइन अपना काम भी करो, एंड यू आर गुड टू गो, यू आर क्रिएटिंग अ सिक्स फिगर इनकम पर मंथ। और एनएम में तो आप बात ही ना करो कि आप कितना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। अभी आप लोगों को फर्दर अगर आप हमारे साथ चलते हो तो आप लोगों को प्रूफ भी दिखाए जाएंगे, रिपोर्ट्स भी दिखाई जाएंगी, उन लोगों से भी डिस्कस बातचीत करवाई जाएगी जो इस टाइम पे फेसबुक मार्केटिंग थ्रू अर्निंग भी कर रहे हैं और बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, अपने को भी और दूसरों को भी, सिंपल इज दैट। पर अभी हम लोग बात करें फेसबुक, अभी आपने अर्निंग देख ली फेसबुक मार्केटिंग की, ये मैं सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर आप देखो फेसबुक एड्स डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में 40 to 50,000 की सैलरी मिल रही है, पर जो हमारा कोर्स है कंप्लीट, इसमें आप देखो तो कितनी मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, कैसी है सब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि कितनी ज्यादा मार्केटिंग के ऐसे सोर्सेज है जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। अभी तो सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं ना, अभी इसके अलावा और भी मार्केटिंग में बहुत सारे हैं। अब यूट्यूब पे भी कर सकते हो, ट्विटर पे भी प्रोफेशनल लोग करवाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स करवाते हैं, और बहुत अच्छे से मार्केटिंग आप कर सकते हो अगर आप कंप्लीट मार्केटिंग सीख लो तो, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, ठीक है, कि आज हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग करनी है। तो हम लोग
क्या करेंगे फेसबुक मार्केटिंग में, हम लोगों ने एक कैंपेन रन करनी है ना, ठीक है। देखो आप मार्केटिंग सीख ली आपने, मार्केटिंग आपने सीख ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने कैंपेन तो नहीं रन करनी ना, यानी कि आपने फेसबुक एड्स पे गए हो, वहां पे आपने एक कैंपेन ओपन की और आपने कैंपेन रन कर दी। अब आपने बजट डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं, सब कुछ कर लिया आपने, पर आपको नहीं पता कि मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं 10,000 रुपया खर्च कर रहा हूँ फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, तो क्या मैं 10,000 से 1,00,000 तक कमा सकता हूँ, क्या मैं 2,00,000 कमा सकता हूँ, क्या मैं इवन के 10,000 से 20,000 भी कमा सकता हूँ, ये आपको नहीं पता। ये आपको तब पता होगा जब आपको इन चीजों के बारे में पता होगा, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, इन चीजों के बारे में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन एनालिसिस को, कन्वर्जन ट्रैकिंग को, कन्वर्जन क्रिएशन को, कन्वर्जन बिल्डिंग, सीटीआर इंप्रूवमेंट्स, आरओआई, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, इन चीजों के जब हम बात करेंगे, जब आप लोग इस चीज को सीखोगे तब आप लोगों को बिलीव होगा अपने पे कि अगर मैं 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं 1,00,000 निकाल भी सकता हूँ, सही है। अगर आपको आरओआई के बारे में पता होगा, सीपीसी के बारे में पता होगा, सीटीआर के बारे में पता होगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन क्रिएशन एनालिसिस रिपोर्ट्स, ठीक है, पिक्सल, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होगा, और ये सब चीजें हर जगह पे काम करती हैं। जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन है, चाहे आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, डजंट मैटर, इट वर्क्स एवरीवेयर, हर जगह पे काम करता है। पर अगर आपको आता हो देन आप अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हो, अपनी लीड ज्यादा लेकर आ सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी आप देखो तो हमने क्या करना है, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर एक कैंपेन रन करनी है, ठीक है। हम चलते हैं फेसबुक मार्केट, फेसबुक एड्स मैनेजर में। अभी मैंने एक आपको दिखाया है सिर्फ एक छोटा सा एक ट्रिक, ठीक है ना, आपको मैं एक एड्स मैनेजर में ले आया हूँ। यहाँ पे मैं एक और नया एड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एड मैनेजर ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन को रन करते हैं अपनी, ठीक है। एक कैंपेन को हमने रन करना है, मकसद तुम्हारा यही है ना कि हमने कैंपेन रन करना है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आप कैसे अपनी कैंपेन को अच्छे से रन कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, और क्या बजट होता है और कितना हमें रिटर्न मिलता है, इस सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि अब अगर आप फेसबुक पे कैंपेन रन कर रहे हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं इतने पैसे खर्च करूँ तो फेसबुक से मुझे इतना रिटर्न मिलेगा और अर्निंग मेरी इतनी ज्यादा होगी। तो वो चीजें अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं, आज की जो हमारा सेशन है फेसबुक को लेके। अर्निंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड ऑन एडवेंस, वाई बाकी चीजें तो सब स्मूथ चल रही हैं, पर यही टाइम ले रहा है थोड़ा सा। देखो गूगल ओपन हो गया, सो इट टेक्स टाइम, डजंट मैटर। तो आप लोग अर्निंग के बारे में बता दिया, ऑनलाइन भी बता दिया, और ठीक है ना, सब बता दिया आपको। सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, सो आई एम किकिंग देम आउट हु इज मेकिंग अब्यूज हियर। सो हसन मुगल, sorry you can't stay at any, you can't stay here anymore। हसन मुगल यहाँ पे अभी दो हैं, चलो कोई नहीं, sorry it's taking too much time। ये जैसे ही ओपन होता है देन हम लोग एक कैंपेन को रन करते हैं। हसन मुगल माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सब देख रहे हैं, खैर आपसे डिस्कस करते हैं बाद में। ओके, तो हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आप लोगों को समझ आ गई है फेसबुक मार्केटिंग को लेके, अगर किसी को इस चीज में कोई क्वेश्चन है तो वो अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे अभी किसी का अब्यूजेबल मैसेज नजर आया तो फिर ये बात अच्छी नहीं होगी। अभी किसी को कोई मैसेज है तो कर सकते हैं काइंडली इस चीज को लेके, अगर आपको अर्निंग की समझ नहीं आई, ठीक है, या फिर आप लोगों को काम के बारे में समझ नहीं आई, या किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। बाकी फिर अभी ये पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है, लेट मी ओपन इट अगेन, अगेन ओपन करके देखते हैं। तो बाकी सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं एक्चुअली, किसी को क्वेश्चन हो कर सकते हैं। सॉरी मैं लेट हूँ, कुछ देर तो सुन नहीं सकी। इट्स ओके, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, पर अभी जो हम बातें कर रहे हैं इसको आप और से सुनो, और कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हो। अभी बस हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं, श्योर हम लोग करते हैं, बस जैसे ही ओपन होता है तो ओके। सो सब कुछ ठीक है यार, अभी फेसबुक बिजनेस पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है।
yeah, you know, Hassan, who is he? So जो भी हम उसको भी पकड़ लेंगे, don't worry. मेरे class lecture में जैसे end होता है तो. Okay. तो यहाँ पे हम लोगों ने open कर लेते इस ad account को. अब यहाँ पे मेरा कोई ad account नहीं बना हुआ, ठीक है? तो अगर ये open होता है, जी फरहान, आपका क्या question आप कर सकते हैं? ओके, ये इस टाइम पे ना जिद में आ गया कि मैंने ओपन नहीं होने. वैसे अगर आप लोगों को हमारी समझ आ रही है ना कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे सेशंस कंटिन्यूअली होते रहते हैं. आप फर्दर भी आगे ज्वाइन कर सकते हो. सर एंड सेशन रिकॉर्डिंग वीडियो, सर प्लीज मेक श्योर वीडियो बन रही है, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? सो ना बिग डील, हमारा चैनल है, उस चैनल पे आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो. और कंटिन्यू अगर आप फर्दर सेशन लेना चाहते हो तो वो भी होंगे. अभी इस टाइम पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा स्लो हो गया, बाकी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, पर ये नहीं इस टाइम पे चल रहा सही तरह से. आई डोंट नो कि क्यों नहीं चल रहा ये. जी अदिल कामरा ने हैंड रेस किया, बताएं आपको क्या क्वेश्चन है. और फरहान ने हैंड रेस किया हुआ, फरहान खान ने बताएं आपने हैंड क्यों रेस किया, क्या क्वेश्चन है आपका. लिंक न्यू टैब में ओपन, ओ कहीं पे भी नहीं हो रहा है देखो ना. चलो हम इनकॉग्निटो में ओपन करके देख लेते हैं. यहाँ पे आईडीज वगैरह सारा कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ओपन हो जाता है तो सर हमें जस्ट चेक कि यहाँ पे अगर ओपन होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. यूट्यूब मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग में भी कोई डिफरेंस है? श्योर डिफरेंस तो है. यूट्यूब मार्केटिंग अलग चीज है, ठीक है, और फेसबुक मार्केटिंग अलग चीज है. फेसबुक पे आप फेसबुक के ऊपर आईडी अपना जो भी करते हो मार्केटिंग वगैरह करते हो, और यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस के थ्रू मार्केटिंग करते हो. अगर आपकी कोई वीडियो है, आप वीडियो को पब्लिक करना चाहते हो, वीडियो की मार्केट करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे करोगे. पर अगर आपने जस्ट अपने ब्रांड को प्रमोट करने हैं इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह के थ्रू, देन आप फेसबुक मार्केटिंग करो. तो ये आप डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड क्या है, आपने किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप मार्केटिंग करोगे. लास्ट में नहीं है कि आप यूट्यूब की तरफ जाओ, या ये भी लास्ट में नहीं है कि आप फेसबुक की तरफ आओ, ठीक है? ये टोटली आपके ब्रांड और आपके प्रमोशन पे डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्ट चाहते क्या हो, ठीक है? और उस हिसाब से फिर आप कर सकते हो अपनी मार्केटिंग जो भी है. गूगल एडवर्ड, गूगल एडवर्ड भी एक अलग चीज है, ठीक है? गूगल एडवर्ड में डिफरेंस है, यूट्यूब मार्केटिंग में डिफरेंस है, फेसबुक मार्केटिंग में भी डिफरेंस है. तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं है. मार्केटिंग एक ही है, एल्गोरिथम इनके सेम है. जस्ट आपने क्या करना है, आपने मार्केटिंग करनी है, कहीं भी आप कर सकते हो, पर इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. फेसबुक सिर्फ फेसबुक के ऊपर एड्स दिखाएगा, यूट्यूब सिर्फ यूट्यूब के ऊपर एड्स दिखाएगा, गूगल वेबसाइट्स ब्लॉग्स और हर तरफ एड्स दिखाएगा, ठीक है? तो ये फिर फर्दर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है मार्केटिंग करने का, आप उसके हिसाब से मार्केटिंग करोगे, ठीक है? और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले किसी एक चीज को, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पिक करो और उस पर एक्सपर्ट बन जाओ. उससे रिटर्न लेना सीख लो कि हमने इस पे लगा के इससे रिटर्न कैसे लेना. जब आप उस पर रिटर्न लेना सीख जाओगे ना, देन आप फिर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन करो. अगर सर फेसबुक एंड यूट्यूब के कितने मेथड्स हैं? फेसबुक एंड यूट्यूब के देखिए मेथड सिर्फ एक ही होता है, क्या करना है, आपने कैंपेन रन करनी है, बस दैट्स ऑल. जाना है, अपना टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, इमेज देनी है, बजट जो आपने है वो अपना डिसाइड करना है, देन आपने अपनी ऑडियंस देनी है वहां पे, और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी. पर इतने से कुछ नहीं होता है. बजट आपने कैसे रखना है, आपने अपनी ऑडियंस कौन से चूज करनी है, इंटरेस्ट कौन सा चूज करना है, ठीक है? ये सब चीजें मैटर करती हैं, जिसके थ्रू आप लोग रिटर्न लेकर आओगे अपना अच्छा रिटर्न. और आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, इन चीजों के बेस पे आप लोग अपना जो रिटर्न है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप
लाइक सीरियसली कहीं पे अच्छी तरीके से लगा के ना रिटर्न ले सकते हो। गूगल एडवर्ड वाले बहुत अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? गूगल एडवर्ड वाले अर्निंग कैसे कर रहे हैं? सीपीसी की बेस पे कर रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल है या अगर आपको कोई ब्लॉग है, आप उस पर लाखों ट्रैफिक भी लेकर आ रहा है, देन यू आर अर्निंग अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, डॉलर्स। कुछ भी नहीं आप कमा रहे अगर आपका सीपीसी अच्छा नहीं है, अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं, आपके सीपीसी अच्छा है, तो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप हजारों व्यूज पे है ना, आप लाखों डॉलर्स कमा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करते हैं एसईओ की बेस पे। ये गूगल की जो मार्केटिंग है ना वो अलग है, और गूगल एडसेंस जो है वो एक अलग चीज है। एडसेंस डिफरेंस है, एडवर्ड्स डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है एडसेंस और एडवर्ड में। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन यूट्यूब एंड फेसबुक। फेसबुक एड्स के लिए कौन सा कार्ड यूज कर सकते हैं? फेसबुक एड के लिए कोई भी कार्ड यूज कर सकते हो आप इवन, लेकिन ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसने आपको जो अकाउंट बना के दिए वो इंटरनेशनल हो, ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शनल एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। उसके ऊपर आप मास्टर कार्ड आपका है तो वो बहुत बेस्ट है। अगर आप मिजान में अकाउंट बनाते हो तो इट्स प्रीटी गुड। मेन जो एड्स का सेटअप करते हैं शीला, ठीक है, ये शीला का नंबर है। शीला कहाँ है? शीला है नहीं क्लास में। ये देखो अभी आप लोगों को मैंने मैसेज किया ना मार्केटिंग का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का सेशन है और सेशन में आप लोग आओगे और आप लोगों के से आप लोग हम लोग बताएंगे। देन मैंने साथ में ये भी बात लिखी थी कि आप जो होगा ना सेशन के बाद आप लोगों का कोर्स पेड होगा। तो ये हरकतें आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जाहिल लोग जो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई अब्यूज कर रहा है और कोई उससे ज्यादा अब्यूज कर रहा है, कोई उससे ज्यादा अब्यूज कर रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं और फिर आगे फ्री के सेशन नहीं मिलते हैं। बात समझ आई? ये जस्ट फ्री के सेशन होते हैं, फ्री का कोर्स इस तरह से कोई भी नहीं करवाता। कोई इतना पागल नहीं है कि वो अपने कोर्स में हर स्टूडेंट को खराब करता फिरे और अपना टाइम भी बर्बाद करे, स्टूडेंट्स का टाइम भी बर्बाद करे इन छोटी सोच के लोगों को लेके की वजह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। तभी हमारे सेशन फ्री होते हैं पर जो कोर्स होता है वो पेड होता है, बिकॉज जो फी पे करके आएगा ना देन वो सिंसियर होगा। और अब देखो यहाँ पे ड्राइंग शुरू हो गई है। देखो आप लोगों को क्या पता लगता है कि मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि कौन ड्राइंग कर रहा है, कौन चैट कर रहा है, कौन अब्यूज कर रहा है। मुझे यहाँ पे उसकी कोई डिटेल्स नजर नहीं आ रही। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं किसी लेवल पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि आप लोग इस तरह की हरकतें करके बच जाओगे। आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। सो काइंडली ये बच्चों वाली हरकतें बंद करें और सिंसियरिटी से ना अपना जो लेक्चर है ना, अपने अगर क्वेश्चन है, आप देखो मैंने चैट भी बंद कर दी है और माइक भी मैंने ऑफ कर दिया, तो कहाँ गए आप लोगों के क्वेश्चन? कौन अब क्वेश्चन करेगा? एक के लिए मैं ओपन करूंगा तो सब ने शुरू हो जाना है। तो इट्स बेटर कि ऐसा सेशन ना करें, या फिर उन्हीं को जस्ट हम लोग सेशन में बुलाएं जो सिंसियर हैं, जो करना चाहते हैं। फिर हम लोग टिकट रखें 100 की या 200 या 500 की, तो टिकट पे करेंगे देन आएंगे, इस तरह से होगा फिर। तो अभी अगर मैं चैट ओपन कर रहा हूँ और अब अगर किसी ने कोई अब्यूज़ किया तो फिर सीरियसली इस टाइम पे मेरी पूरी मैनेजमेंट है, इस टाइम पे जो क्लास ले रही है ना आप लोगों, आप सब मेरी पूरी मैनेजमेंट, उसने आप लोगों को चुप करके पिक कर लेना है और आप लोगों को साइड पे ले जाना है, तो आप लोग देखते रहोगे। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। फेसबुक का बिजनेस मैनेजर काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों के सामने है, बाकी सब कुछ ओपन हो रहा है, ये चीज़ ओपन नहीं हो रही। तो अभी ये इन्हीं का फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग तो सही चल रहे थे पर ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम लोग कैंपेन बना के आप लोग बताएंगे। वैसे आज आप लोग ओवरव्यू दे दिया अच्छे से कि मार्केटिंग क्या होती है, फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, उससे आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हो। अब जो काम कह रहा है वो हम लोग सेशन नेक्स्ट करेंगे, उसमें हम लोग आपको कैंपेन बना के दिखाएंगे कैंपेन आप लोग कैसे बनाते हो। और अगर आप लोग फर्दर एक साफ सुथरी जगह पे जाते हुए एक कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, एक लीगल आइडेंटिटी बना के अपनी, जिसमें आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी, लाइव चैट्स भी मिलेंगे, आप लोगों के क्लिक्स भी होंगे, आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, देन आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अरिशा का कैम ऑफ करवा लें, कैम तो यहाँ पे किसी का भी ओपन नहीं है। अरिशा का ओपन था, चले ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसको लेके? जी ओप्पो A5s को क्वेश्चन है, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? कोर्स हमारा जो स्टार्ट होगा वो 1st ऑफ
नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की हमारी फर्स्ट से स्टार्ट होना है. अभी हमारे पास 15 डेज हैं, 15 डेज तक हमारा जो रिसेंट कोर्स है अभी जो इस टाइम पे चल रहा है वो कंप्लीट होगा पहले, उसके बाद फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ की हमारा जो नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. तब तक आप सेशंस ले सकते हो और सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं, 20 to 25